बीजेपी की साध्वी कांग्रेस की साध्वी हो गई, बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वजह टिकट का मसला है या फिर कुछ और है, इनसे सीधे जानते हैं। साध्वी अनादि जी, क्या वजह रही है हृदय परिवर्तन का, क्योंकि ये चुनाव मौसम में बहुत नेताओं का हृदय परिवर्तन हो रहा है, संतों का भी हो रहा है। भैया को सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ, उनके अंतःकरण में बैठे हुए मेरे भगवान को प्रणाम करती हूँ। पर सबसे पहले जो आपने लाइन बोली उसको मैं संशोधित करना चाहती हूँ। साध्वी पहले बीजेपी की थी, अब कांग्रेस की। संत सबका होता है, संत सबका होता है, सबके प्रति प्रेम आदर और सम्मान करता है, मानव मात्र की सेवा का उसका संकल्प होता है। क्यों कहा, देखिए वो आप प्रक्रिया के, ये देखिए आप, कोई बात नहीं, ये बीजेपी का झंडा जो लहरा रही थी आप, इसलिए मैंने कहा, मेरी कोई आपकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं आप ये इतना शानदार ढंग से बीजेपी का झंडा लहरा रही, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, तो इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन अब आज की वास्तविकता क्या है? आज की वास्तविकता ये है कि मैंने विधि विधान से हमारे आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह और आशीर्वाद से और उनके प्रेम के कारण मैंने आज ये कांग्रेस मैं सुन लिया। मैं यही जानना चाह रहा था कि हृदय परिवर्तन क्यों? हृदय परिवर्तन के पीछे आज का कारण नहीं है। गहलोत साहब हमेशा मुझे बहुत प्रेम और सम्मान देते रहे हैं, मैं उनके लिए नई नहीं हूँ, वो मेरे लिए नए नहीं है। पर एक प्रक्रिया के दौरान विधि विधान से जो प्रोसेस होता है कि हाँ, हमको कार्य करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा और वो और ज्यादा हम जिस विषय पे कार्य करना चाहते हैं, मानव मात्र की सेवा से लेके, वो हमको अच्छी कार्य की सुविधा, क्योंकि बीजेपी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे उनके कारण रहे होंगे। मैं उनके लिए क्या कह सकती हूँ? मैं तो देखो सारी तस्वीरें देख रहा था आपकी, आप मोदी जी की तस्वीर लेके बांटती फिर रही थी, वो सारी तस्वीरें देखिए। मैं आपको बताऊँ, मेरी नजर में मेरे सामने अभी मेरा राजस्थान है, मेरा अजमेर है। नेताओं से भी अच्छा भाषण दे लेती हैं, मैं ये नहीं जानती, पर जो अंतःकरण की बात है वो जरूर स्पष्ट कहना चाहूंगी। मैं बिल्कुल तटस्थ बोलती हूँ, मैं तटस्थ बोलती हूँ, मैं किसी से प्रभावित होके या डिसअपॉइंट होके या अति उत्साह में कोई बात नहीं कहती, मैं तटस्थ बात कहती हूँ। कार्य करने के लिए हमको जो स्पेस देता है, जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी तब भी हमको मिल रहा था, लेकिन सीमित मिला। अब हमको गहलोत गवर्नमेंट इतना अच्छा स्पेस दे रही है, प्रेम दे रही है, मान सम्मान दे रही है, और वो चाहते हैं कि अच्छे से और कार्य हो तो उनकी भी अच्छा कांग्रेस का नाम होगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि देखो योगी आदित्यनाथ आपके रोल मॉडल थे, अचानक से इतना ज्यादा हृदय परिवर्तन कैसे हो जाए? देखिए, रोल मॉडल की बात नहीं है, बात है सेवा की। आज सभी धर्म के लोग उनको वहां पे मान सम्मान देते हैं क्योंकि वो सबका विकास करना चाहते हैं। लेकिन अब वो चैप्टर इसलिए क्लोज हो गया क्योंकि मेरे लिए अभी स्थिति राजस्थान प्राथमिक है, अजमेर प्राथमिक है, मेरे आसपास का वातावरण प्राथमिक है, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारा काम गहलोत साहब दे रहे हैं और आगे भी देने के लिए कहा है कि आपको बहुत सारा काम करना है। हम तो चाहते हैं कि सज्जन लोग आगे हैं, अच्छे लोग आगे हैं। देखिए, संत है ना, किसी समाज की या किसी धर्म की या किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं होता है। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप राजनीति में पहले क्यों नहीं आई? मैं राजनीति के लिए राजनीति नहीं कर रही ना, मैं सच में दिल से भक्ति लाइन की हूँ, प्रेम में विश्वास करती हूँ। मेरा खांटी राजनीति, ऐसे मत बोलिए, आपकी भाषा से तो लग रहा है कि आप खांटी राजनीति की हैं। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मेरी फिलॉसफी स्पष्ट है, प्रेम होता है ना, प्रेम जड़ को भी चैतन्य बना देता है। आप प्रेम दीजिए, आप सम्मान दीजिए। कहां प्रेम होता है, ये मैं पूछ रहा था, क्या मैं मिथक तोड़ना चाहती हूँ, मैं यही मिथक तोड़ना चाहती हूँ कि प्रेम के कारण ही आज गहलोत साहब को सब इतना प्रेम देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, वो भले ही ज्यादा नहीं बोलते। मैं तो आपकी तस्वीरें देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो मैं किस प्रेम को मानूं? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं संत हूँ, वो आते हैं और वो सम्मान संतों से मिलते हैं। अब संत के पास आएगा तो संत तो सबको ही प्रेम देंगे ना, अपमान तो किसी का नहीं करेंगे ना। संत के पास कोई भी आता है, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, देखिए आप मानेंगे इस बात को, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, संत के लिए सब बराबर होता है। उनकी तस्वीरें भी बांट रही थी आप? तस्वीरें नहीं बांट रही थी, एक बुकलेट थी जिसके बारे में मैंने कहा कि अगर इसको, उनकी भी नहीं है वो, तो एक विचार मंथन की, जिसे इतना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो वो आई थी। चलिए, इसको तो आप छोड़िए, आप बताइए। अपने पास ये बताइए कि आप कैसे सेवा करेंगे, टिकट लेकर सेवा करेंगी? देवनानी जी से कोई समस्या है आपको वहाँ? किसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों, वासुदेव देवनानी के साथ भी खूब सारी तस्वीरें हैं आपकी। देखिए, देवनानी जी 20 साल से हमारे वहां के विधायक हैं। जब
आज ये ठीकरा गवर्नमेंट के माथे फोड़ रहे हैं कि सौतेला व्यवहार करती है, सौतेला व्यवहार करती है, सौतेला व्यवहार। अरे जब तुम्हारी गवर्नमेंट थी तब तुमने क्या किया? क्या बातें करते हो आप? और जहां आपको विकास करना चाहिए आपने केवल बातें करके, और बातें क्या वहां पे तो झांकते भी नहीं थे, और जहां विकास करना चाहिए वहां पर भी विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? आप गिनाइए ना, वो गिनाने के लिए गिनती के दो चार विषय भी नहीं होंगे। 20 साल निकल गए भैया, 20 साल निकल गए। तो आज देखिए मैं आपको बताऊं, मोदी गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा था 75+ रिपीटेशन नहीं होगा और मातृशक्ति बंधन होगा, युवा उचारों को लाएंगे। उस सारी फिलोसॉफी रह गई, धरातल पे धराशाही हो गई। तो इस चीज से फिर वो विकास, अब 20 साल हो गए, फिर 5 साल और धक्के मार के गाड़ी निकालो, 5 साल और धक्के मार, कोई बात नहीं। हर किसी का अपना विचारधारा होती है, हर व्यक्ति अपने तरीके से टिकटों का निर्धारण करते हैं। बहुत सारे चिंतन बंधन हुएंगे, बहुत सारे सर्वे होंगे, बहुत सारे कारण रहे होंगे, वो उनकी माया वही जा रहे। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से वहां पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी को जानते हैं, मेरे दादाजी को जानते हैं, अमर शहीद हेमू कालानी को कौन नहीं जानता। मैं उस समाज की बच्ची हूँ, वहां पर मुझे सब लोग जानते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जैसा प्रेम वो पहले देते रहे हैं आज भी देंगे, क्योंकि सबको मेरा स्वभाव पता है। मैं पाखंड में विश्वास नहीं करती और पाखंड का विरोध करती हूँ, और मैं आज गहलोत साहब के पास भी इसीलिए आई हूँ कि वो पाखंड का विरोध करते हैं। वो पाखंड नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते, वो करते हैं, और बताना भी जरूरी नहीं। सबसे मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, अरे उनको बताने की जरूरत नहीं। पहले क्या करते थे? पहले करते थे जो नहीं आ पाई पहले। मैंने कभी इस विषय पे सीरियसली सोचा नहीं। आज जब बात आई और इतनी सारी बातें हुई कि भाई शहीद परिवार से हैं इन, और कोई बात नहीं, वहां पर भी अपने लोग हैं, अपने को समझते हैं, जानते हैं, सब लोग अपने से जुड़े हुए हैं। बाबा बालकनाथ से मिली थी अभी टिकट के लिए, क्या करेंगे अब? अभी तो काम इतना पड़ा है, मिलना क्या बोले, क्या बोले भैया, मिलना सबसे रहता है, क्या बोले क्या वो टिकट के लिए? उनको क्या करना था? वो तो टिकट समिति तय करेगी ना, उनका क्या रोल था उसमें? वो तो उनको जानकारी देनी थी, उनका कोई रोल थोड़ी था भाई। टिकट का बंटवारा उनको थोड़ी करना था, सर्वे रिपोर्ट है, लोग है, इनके नेता है, इनके अपने क्राइटेरियाज है, बहुत सारी बात है। वो तो ठीक है, उनको बात हुई थी कि अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। और रही बात मिलने की, तो संतों से संत मिलते ही हैं, संतों के संत दर्शन करने आते ही हैं। तो संत कह रहे हैं कि फतवा हाउस है सीएम। अरे छोड़िए वो सब, ऐसे ही अब तक जिंदगी नहीं चल रही थी क्या? क्या बातें कर रहे हैं? अब तक जिंदगी नहीं चल रही थी, अब तक ये आए तो अभी जिंदगी चल रही राजस्थान की, अब जिंदगी नहीं चल रही, क्या बातें कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जो रोल मॉडल है वो आप कह रहे हैं कि सारी समस्याओं की जड़ जो है कांग्रेस है, कुछ भी कर सकते हैं रोल मॉडल। अरे रोल मॉडल क्या, ये तो इन्होंने मीडिया में बहुत ज्यादा चला दिया। देखिए वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते, मैं उसकी बात की सफाई कैसे दे सकती हूँ? ये तो उनसे ही लेनी पड़ेगी। भाई आप क्या करना चाहते हो, आपके इस बात का व्याख्या क्या होगी? आपने जो स्टेटमेंट दिया इसकी जरा व्याख्या तो कर दीजिए, या ये केवल थॉट प्रोवोकिंग है, या ये थॉट प्रोवोकिंग है? मैं तो अपने विचारों की व्याख्या कर रही हूँ ना, मैं केवल एक स्टंट के लिए पंचिंग स्ट्रोक थोड़ी मारी हूँ कि जैसे मैंने कुछ पंच। मैं आपके तो अपने कई वीडियो है भाषण के, भाषण तो देखिए संत सब जगह घूमता है, बात तो करता पंचिंग है। वाला भी है। अरे मैं स्पष्ट बात बोलती हूँ, देखिए अभी इन बातों से ऊपर उठकर हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर संत सबका होता है, सबको प्रेम देता है, सबको आदर रखता है, और सबसे बड़ा जीव मात्र के अंदर भगवान है। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पारी। सिया राम जो है वो सब जगह कण कण में है भैया, क्या बात कर रहे हो आप उस फिलोसॉफी में लड़ेंगे देखा जाएगा। वहां पर सारस्वत जी भी खिलाफत कर चुके हैं, किसकी? देवनानी की। वो ही बता पाएंगे उनके क्या मुद्दे रहे, वो ही बता पाएंगे। मैं उनके बिहाफ पे कोई बात बोलूं वो गलत होगा, अन्याय होगा उनके साथ। उनके क्या मुद्दे रहे, उनके क्या विचार रहे, किस विषय पे क्लैशेस हुए, क्या प्रतिरोध हुआ, एजेंडा क्या रहेगा अजमेर का आपका? अगर देखते हैं, अभी तो तय होने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे। अभी तो मेरे को कोई ऐसा जानकारी नहीं है, देखेंगे। क्या करना चाहती हैं? आपको आइडिया नहीं है कोई? नहीं, करना तो है, अगर आता है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, अभी इस विषय में मैं नहीं बोल पाऊंगी,
वो बात आप कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। साध्वी अनादि को सुनने के बाद लगता है कि नेताओं और संतों में ज्यादा फर्क रह नहीं गया है।